हेलो बच्चों, मैं हेमा। मेरी इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट। माय हाउस इज रेड, अ लिटिल हाउस, हैप्पी चाइल्ड एम आई, आई लव एंड प्ले द होल डे लॉन्ग। I hardly ever cry. I have a tree, a green green tree, to shades me from the sun. And under it, I often sit when all my play is done. So बच्चों, हम लोग इस पोयम का मीनिंग पढ़ते हैं, ओके बच्चों? My house is red, a little house, a happy child am I. वो जो बच्ची है पोयम में, वो बोल रही है कि मेरा हाउस रेड कलर का है और वो छोटा हाउस है। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे उसने हाउस निकाला है। ये देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे देखिए हाउस है, ओके बच्चों? और अ हैप्पी चाइल्ड एम आई, वो लड़की कैसी है बच्चों? कि हैप्पी का मतलब होता है खुशनुमा, वो लड़की बहुत खुशनुमा लड़की है। आई लव एंड प्ले द होल डे लॉन्ग, आई हार्डली एवर क्राई। मीन्स इसका मीनिंग होता है बच्चों कि मैं पूरा दिन भर हंसती रहती हूँ और खेलती रहती हूँ, और मैं हार्डली क्राई करती हूँ। हार्डली का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे कभी कभी, मीन्स मैं हमेशा नहीं रोती हूँ, कभी कभी मैं रोती हूँ। आई हैव अ ट्री, अ ग्रीन ग्रीन ट्री, टू शेड मी फ्रॉम द सन। वो बच्ची है दोस्तों जो पोएम में है, वो बोल रही है कि मेरे घर के पास बहुत सारे ट्रीज़ है ग्रीन ग्रीन, और वो ट्रीज जो है मुझे सन से बचाते हैं। एंड अंडर इट आई ऑफन सी व्हेन ऑल माई प्ले इज़ डन। वो जो बच्ची है बच्चों, वो बोल रही है कि जब मेरा खेलना ख़त्म हो जाता है तो मैं ट्री के अंडर, ट्री मीन्स उसके नीचे बैठ जाती हूँ। आइए बच्चों, हम लोग कुछ न्यू वर्ड सीखते हैं, ओके? क्राई का मतलब होता है बच्चों रोना, क्राई सी आर वाई, क्राई का मतलब होता है रोना। और डे का मतलब होता है बच्चों दिन, मीन्स जो दिन भर हम लोग काम करते हैं वो होता है दिन। और रेड कलर का तो आपको पता ही है, जैसे ये पेन, ये जो पेन है उसका कलर भी कैसा है बच्चों? रेड कलर, ओके बच्चों? बच्चों सन, जो सन का कलर होता है येलो एंड रेड। देखिए बच्चों, ये है सन, एस यू एन। आप ये सभी स्पेलिंग बच्चों याद कर लीजिए, मीन्स आपको ये एग्ज़ाम में काम आएगा, ओके बच्चों? सो कुछ हम यहाँ पे लिस्ट रीड करते हैं बच्चों। देखिए नीचे क्या लिखा है, द सन शाइन इन द स्काई। यहाँ पे बोल रहा है बच्चों कि जो सन है वो शाइन करता है कहाँ पे, स्काई में। आई हैव अ पेन, मीन्स यहाँ पे बोल रहा है कि मेरे पास एक पेन है, कौन सी कलर की? आई हैव अ रेड पेन, मीन्स रेड पेन है उसके पास। देखिए बच्चों यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी है, रीड एंड मैच द वर्ड विद द पिक्चर, ड्रॉ अ लाइन। यहाँ पे बोल रहा है बच्चों कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल। तो यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चों कि छोटी सी लाइन बनानी है। देखिए ये कौन है, एक मिनट बच्चों मैं दिखा देती हूँ। देखिए बच्चों मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, ये जो गर्ल है, ये है गर्ल, इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं गर्ल, और ये है बॉय, इसको हम बॉय लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ओके बच्चों? देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ फन है, हम लोग कर लेते हैं। फिल इन द बॉक्स विद द राइट कलर, यहाँ पे बोल रहा है बच्चों कि व्हाट इज द कलर ऑफ हैप्पी चाइल्ड हाउस, कौन सा कलर था सोचो सोचो, आई थिंक इज रेड। तो यहाँ पे हमको रेड ड्रॉ करना है, ओके बच्चों? रेड, रेड लिख लेते हैं हम लोग,
और नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर हाउस। अगर आपके घर का जो कलर है आपको यहाँ पे डालना है। आप मेरे घर का कलर वाइट है तो मैं वाइट लिख लेती हूँ, और आप भी कुछ अपने घर का कलर डाल दीजिए। ओके, व्हाट इज़ द कलर ऑफ ट्री। वाओ, ये तो बहुत इजी है क्वेश्चन है। कलर ट्री का कलर कौन सा होता है बच्चों? ग्रीन, GREEN। आप भी अपने बुक में लिख लीजिए। ओके बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कलर ऑफ सन। सन का कलर कैसा होता है? रेड एंड येलो मिक्सड होता है। ओके बच्चों, आप लिख लीजिए ये भी। सामने हम लोग देखते हैं कुछ एक्टिविटी। लेट्स टॉक, इज देयर अ ट्री ग्रोविंग नियर योर हाउस। वो बोल रहे हैं कि आपके हाउस के पास कौन सा ट्री है जो ग्रो कर रहा है, उसके बारे में बताइए। टेल अस अबाउट द ट्री, इज इट बिग और स्मॉल। आपके घर के पास बिग ट्री है या स्मॉल ट्री है, वो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है बच्चों। ओके, ये देखिए बच्चों, इस गर्ल के हाउस के पास कौन सा ट्री है? बिग ट्री, देखिए बिग ट्री। नेक्स्ट है बच्चों, डू यू लाइक द ट्री, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ट्री। मीन्स वो बोल रहे हैं कि आपको ट्री पसंद है, और पसंद है तो आपको तो मीन्स उसका ट्री का नेम क्या है, इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व आउट करना है। ओके बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है। लेट्स शेयर, देयर आर मेनी किड्स ऑफ हाउसेस, सर्कल द वन यू हैव सीन। वो बोल रहे हैं कि आपने इनमें से कौन से हाउस को देखा है। मैंने तो हंड को भी देखा है सर्कल, और इक्लो को मैंने नहीं देखा, टीवी में देखा सिर्फ, और फ्लैट को भी देखा है, और बंगलों को भी देखा है। तो जो जो आपने देखा है वो उस पे आप लोग राउंड बना लीजिए। यहाँ पे देखिए बच्चों क्या बोल रहा है, ड्रॉ योर हाउस हेयर एंड टॉक अबाउट इट। यहाँ पे आपको एक हाउस ड्रॉ करना है और उसके बारे में लिखना है, तो आप लोग कुछ सेंटेंसेस लिख लीजिएगा। देखिए बच्चों, हम लोग ये पढ़ लेते हैं। वाह, अच्छा ये। हाउ डू यू फील, ड्रॉ अ सी। मीन्स बोल रहा है कि यहाँ पे आप कैसे फील करते हैं। देखिए यहाँ पे मुंह दिख रहा है आपको, फेस। वेन यू गेट न्यू ड्रेस, मुझे तो हैप्पी लगता है, शायद आप लोगों को भी ये हैप्पी लगता होगा। सो हम लोग हैप्पी का चिन्ह ड्रॉ किया है। ओके, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्या है। वेन यू गेट हर्ट, आपको अगर किसी ने हर्ट कर दिया तो आपको कैसे बुरा लगता है, तो यहाँ पे सैड लिखना है। वेन यू शेयर योर थिंग, तो आपने किसी के साथ अपना शेयर किया कुछ बातें, तो आपको कैसे लगता है कि हैप्पी लगता है। और वेन यू आर इल, इल मीन्स बुरा लगना या फिर सिक हो जाना, तो आपको ऑब्वियसली सैड लगता होगा, सबको ही सैड लगता है। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, ड्रॉ लाइन फ्रॉम द हाउस टू द पीपल हु लिव्ड इन योर हाउस। देखिए बच्चों, आपके घर में कौन कौन रहता है, आप देखिए। मेरे घर में तो देखिए, मेरे घर में माय ग्रैंडफादर, माय ग्रैंडमदर, माय फादर, माय मदर एंड माय ब्रदर, ये सब मेरे घर में रहते हैं। और आपके घर में जो रहता है आप उसको लाइन ड्रॉ कर दीजिए। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, ड्रेस द नंबर और द डॉटेड लाइन। नंबर डॉटेड लाइन जो है उसको आपको फिल करना है। देखिए बच्चों, मैं करके दिखाती हूँ, ऐसे ऐसे, ये वन, ये टू, एक मिनट, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स। वाओ, कितना अच्छा है। हाउ मैनी पीपल लिव इन योर हाउस, वो पूछ रहा है कि आपके घर में कितने मेंबर्स है। मेरे घर में तो फाइव मेंबर्स है, तो मैं फाइव ड्रॉ कर दूंगी। आपके घर में जितने मेंबर्स है आप उसको ड्रॉ कर दीजिएगा यहाँ पे। ये देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, जॉइन द डॉटेड लाइन एंड राइट। आपको क्या करना है बच्चों, ये जो डॉटेड लाइन है उसको जॉइन करना है। ओके, देखिए बच्चों जैसे मैंने किया है डॉटेड लाइन, इसके बाद बी लिखिए, सी लिखिए, और जो कुछ भी यहाँ पे है आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए बच्चों, कलेक्ट द पिक्चर ऑफ द
a cat, a cow, a dog and sheep from old book or newspaper and paste them below. वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप लोग एक काम कीजिए, इस इन पिक्चरों को कलेक्ट कीजिए, जैसे कैट, काउ, डॉग, और यहाँ पे क्या कीजिए, पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट मीन्स इसको चिपका दीजिए अच्छे से. और यहाँ पे क्या लिखा है, बेटा ड्रेस ओवर द डॉटेड लाइन एंड कंप्लीट द मंकी टेल. तो उसको मंकी के टेल को हम लोग कंप्लीट करके देखते हैं. आप लोग देखिए ऐसे करके इसको कंप्लीट कर दीजिए. यहाँ पे जो डॉटेड डॉटेड है यहाँ पे कर दीजिएगा, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से. ये देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ एक्टिविटी है. द फॉलोइंग हैव लॉस्ट देयर बेबीज और रेस अलोंग द मेज यूजिंग डिफरेंट कलर एंड फाइंड देम, वन हैव बीन डन फॉर यू. वो बोल रहा है कि एक बेबीज है वो गुम हो गए, लॉस्ट हो गई है, तो उसको उनको क्या करना है, आपको उनको उनकी मम्मी के पास भेज देना है या फिर मम्मी को उनके पास भेज देना है. तो यहाँ पे देखिए बच्चों यहाँ पे कैट का बना है ऑलरेडी. ये देखिए कैट चली गई है अपने बेबी के पास, देखिए डॉटेड डॉटेड में, देखिए कैट मम्मी के पास. वैसे ही आपको क्या करना है, इस डॉग को भी अपने मम्मी के पास भेजना है. तो चलो हम लोग डॉग को देखते हैं मम्मी के पास जाता है. ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए डॉग गया अपने मम्मी के पास. ऐसे आप सभी कर लीजिएगा. ओके बच्चों, सो थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग मी. अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा कि ताकि दूसरे भी वीडियो आपके पास आ सके, और बेल आइकन को दबाइएगा, और इसको आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं. थैंक यू सो मच बच्चों.